को लगा थप्पड़। राही की गलती। घर में शुरू हुआ बवाल। How dare you? तूने मेरी मम्मी पे हाथ कैसे उठाया? राही पागल हो गई है क्या? स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में कहानी में महा ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि गलती से राही का हाथ बा पर उठ गया है और ऐसे में बा के तो होश ही उड़ गए हैं। असल में हुआ यूं कि राही और माही की लड़ाई चल रही थी अनु की दी हुई किताब को लेकर। ऐसे में बीच बचाव करने पहुंच गई बा। भाई राही ने माही को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन माही को थप्पड़ नहीं बल्कि बा को थप्पड़ जा लगा। ऐसे में सभी घर वाले सन रह गए हैं, क्योंकि राही ने इतनी बड़ी गलती जो कर दी है। एक दिन देखना बाकी रह गया। जब तक अनुपमा इस घर में वापस नहीं आएगी, मैं इस घर में भाव नहीं रखूं। माही मैं आखिरी बार बोलो, छोड़ो, अरे छोड़ो मेरी राही, छोड़ो मेरी राही, पागल हो गए हो क्या? कि राही को अपनी गलती का एहसास है और देखिए कैसे वो हाथ जोड़कर बा के पैर पड़कर बा से माफी मांग रही है। लेकिन बा वो तो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं, और उसे राही की माफी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसे तो चाहिए फैसला। भाई अनुपमा किसी काम से बाहर गई हुई है। ऐसे में बा ने कह दिया है कि जब अनुपमा लौटेगी तब वो फैसला करेगी कि इस घर में बा रहेगी या राही, और फिलहाल बा घर छोड़कर जा रही है। सभी की लाख रोकने पर भी बा नहीं रुकी है, और ऐसे में घर वाले कर रहे हैं राही पर ब्लेम। उसकी नहीं हाथ उठाया, तुमसे गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया बा, सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं, मैं माफ करियो आपसे, मैंने जानबूझ के नहीं किया वो। मम्मी कहाँ जा रही हैं? नहीं 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 आप 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 कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं पैर पकड़ रही हूँ आपके, आप कहीं नहीं जाएंगे, मुझसे गलती हुई है, पर मैंने जानबूझ के नहीं किया। खबरदार, खबरदार, जो किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की या मेरे पीछे भी आए तो। अब जब अनुपमा इस घर में आएगी तब फैसला करेगी कि ये घर में अब ये लड़की रहेगी या मैं। माही और मेरे बीच में कुछ बहस हो जाती है, अनुमा एक डायरी देती है, वो मुझे देती है, पर वो छीना छानी हो जाती है कि वो मेरी डायरी होती है कि नहीं मुझे दी है वो डायरी, तो वो एक्सट्रीम इतना हो जाता है कि बा बीच में हमें शांत करने के लिए आती है, पर मेरा हाथ माही के लिए उठता है पर गलती से बा को लग जाता है, तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। सो लेट्स सी क्या होता है। ऑब्वियसली ये जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, बा के प्रति मेरे लिए बहुत प्यार है और बा को लगा है, तो उस बा को चाटा लगा है, तो मुझे भी ऑब्वियसली बहुत बुरा लग रहा है, और राही पे मैं बहुत गुस्सा हूँ कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, तो ऑब्वियसली मैं इस बात को बड़ा तो बनाऊंगी ही। भाई अनुपमा घर से जाती नहीं कि आ जाता है ट्विस्ट वाला तूफान, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन इससे पहले तो जब अनुपमा घर में थी तब मनाई जा रही थी खुशियां। भाई मौका था अंश के बर्थडे का, ऐसे में देखे केक काट कर सभी घर वाले कर रहे थे सेलिब्रेशन, चारों ओर बस खुशियां ही खुशियां थी। वैसे अनुपमा और राही की नोकझोंक तो चलती ही रहती है, क्योंकि अनु की रसोई को मिला है बड़ा ऑर्डर। ऐसे में सभी लोग जुट गए हैं ऑर्डर पूरा करने में। इसी बीच अनुपमा और राही में छिड़ गई है एक और नई बहस। तो मेरे मना करने के बाद भी ये ओवरटाइम क्यों कर रहे? शांति, शांति, इन सबको भी मेरी तरह ही प्रॉब्लम है, क्या कहते हैं वो, गृहिणी सिंड्रोम।
ये लोग अच्छी तरह से जानती हैं कि व्यापार में जरा सी भी लाभ करना बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। इससे तो हर गृहिणी रोज रात को गैस पंखा लाइट खिड़की सब चेक करती है, जाके चेक करती है कि बाहर कुछ ऐसा खाना तो नहीं पड़ा जो खराब हो जाएगा, उठा के फटाफट उसे फ्रिज में रखती है, किचन पूरा साफ करती है, जाके दरवाजा चेक करती है कि कड़ी कुंडी बराबर लगी है कि नहीं, और फिर पूरा घर सोने के बाद जाकर आपकी ट्रेन भी सो जाएगी। जाइए ताकि मैं भी शांति से काम कर सकूं और चैन की सांस। राही का कहना यह है क्योंकि उसने किचन अपने नाम कर लिया है, 50% की पार्टनर बन गई है और वो चैलेंज जीती है अनुपमा जी से, तो उसने कहा था कि अब किचन में उसकी चलेगी, कंपनी में उसकी मर्जी मानी जाएगी। बस एक जनरेशन गैप आप कह सकते हैं कि एक सोच की अलग बात हो, क्योंकि वो उन्होंने कुछ और टाइमिंग देखा है जब वो हमारी एज की रहेंगे। आज का ज़माना कुछ और है, आज की चीज़ें किसी और तरीके से वर्कआउट करती है, आजकल की चीज़ें मतलब जैसे कि सारी डिजिटली सारी चीज़ें हो जाती हैं, पर अपनापन होता था बहुत ज़्यादा, लेकिन आजकल थोड़ा कंडीशनली काम करते कि नहीं टाइम टू टाइम सारी चीज़ें होनी चाहिए, उतना अटैचमेंट नहीं रहा लोगों से। तो राही का बस ये कहना है कि आप लोग काम करिए, अच्छे से करिए, और ना कोई जल्दी आएगा ना कोई देर से जाएगा, एक कंपनी की तरह जैसे कंपनी में बाहर काम होता है वैसे करिए। तो ज़्यादा इसको घर मत बनाइए आप लोग, क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्डर है, पहला इतना बड़ा हमें सक्सेस मिलने वाला है, तो बी फोकस्ड कि हमारा काम क्या है। सो ये है राही का कहना। खैर ये ट्विस्ट तो चलते रहेंगे, लेकिन फिलहाल तो अनुपमा जब लौटेगी तो उसे कोई बड़ा फैसला लेना होगा। अब देखना होगा कि अनुपमा किसका साथ देती है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमारी एंटरटेनमेंट की सिलाई मशीन तो सिलती है आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।